Good afternoon. Hello friends. FC Chaudhary here, and you are watching your own science vetka. Our chapter is carbon and its compound from class 10 science, and topic is nomenclature of carbon compounds. The name of the compounds in a homologous series are based on the name of the basic com carbon chain modified by a prefix phrase before or suffix phrase after, indicating the nature of दी फंक्शनल ग्रुप जो भी हम लोगों का इसमें होता है फंक्शनल ग्रुप में जो हम लोग पहले ऐड करते हैं उसको प्रेफिक्स बोला जाता है जिसको हम लोग बाद में ऐड जिसको हम लोग पहले ऐड करते हैं उसको प्रेफिक्स बोला जाता है जिसको बाद में ऐड किया जाता है उसको सफिक्स बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ एल्कोहल्स टेकन इन एक्टिविटी फोर पॉइंट टू आर आर मेथेनॉल एथेनॉल्स प्रोपेनॉल्स एंड ब्यूटेनॉल्स नेमिंग द कार्बन कंपाउंड्स कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड। जो कार्बन कंपाउंड्स है उसका नेमिंग जो फॉलोइंग मेथड है उससे कर सकते हैं आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी कंपाउंड्स जो आइडेंटिफाई करेंगे कार्बन एटम्स में कौन सा कम के कंपाउंड्स में ए कंपाउंड हैविंग थ्री कार्बन एटम्स वुड हैव नेम प्रोपेन ऐसा कंपाउंड्स जिसके पास तीन ठो कार्बन एटम रहेगा उसका नाम होता है प्रोपेन तो हम लोग जानते हैं जिसके पास एक कार्बन एटम होगा मैथेन होगा जिसके पास दो कार्बन एटम होगा उसका नाम होगा एथेन जिसका तीन ठो होगा प्रोपेन होगा जिसका फोर ठो चार ठो हो होगा वो उसको ब्यूटेन बोलते हैं Second, in case a functional group is present, it is indicated. इन नेम ऑफ द कंपाउंड विथ आईदर ए प्रेफिक्स और ए सफिक्स एज गि इन टेबल फोर पॉइंट फोर इफ नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज ए सफिक्स अगर जो नेम है फंक्शनल ग्रुप का दिया गया है सफिक्स में द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड्स बाई डिलीटिंग द फाइनल ई जो फाइनल ई है उसको डिलीट कर देंगे और उसके बाद हम लोग सफिक्स का एड करेंगे एंड एडिंग द्रोप्रिएट सफिक्स जो ट सफिक्स होगा उसको ऐड करेंगे फॉर एग्जाम्पल थ्री कार्बन कीटोन ग्रुप का होगा उसको फॉलोइंग मैनर से हम लोग ऐड कर सकते हैं यहां पे क्या है प्रोपेन प्रोपेन है तो लास्ट में ई है ई को डिलीट करके वहां पे ऐड करेंगे ओ एन ई तो प्रोपेन वन हो गया और हम लोग क्या जानते हैं जैसे ही प्रोपेन वन हुआ तो ओ एन ई ग्रुप के लिए क्या यूज होता है ओ एन ई जैसे ही लिखा रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है सी एन एच टू एन प्लस वन एन प्लस जो हमारा फंक्शनल ग्रुप रहता है वो फंक्शनल ग्रुप जो भी फंक्शनल ग्रुप का मेंबर रहेगा क्लोरीन रहेगा ब्रोमीन रहेगा आयोडीन रहेगा जो भी रहेगा उसका एडिशन होता है लेकिन फार्मूला क्या होता है सी एन एच टू एन प्लस वन प्लस फंक्शनल ग्रुप अब यहां पे देखते हैं नाउ कम्स ईयर इन पॉइंट फोर इफ द कार्बन चेन इज सेचुरेटेड अगर अनसेचुरेटेड अगर कार्बन चेन हम लोगों का अनसेचुरेटेड है तो इससे पहले ही हम लोग सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में पढ़ चुके हैं सेचुरेटेड क्या होता है सेचुरेटेड जो हमारा सेचुरेटेड होता है वो क्या होता है जिसमें सिंगल बाउंड का फॉर्मेशन होता है जैसे सी एच फोर ये होता है फॉर्मूला मेथेन का और इसमें हम लोग देखेंगे जैसे ही सी एच फोर लिखते हैं तो कार्बन एक तो रहता है इसके चारों तरफ जो हाइड्रोजन एडेड होता है वो सिंगल बाउंड के साथ एड हो जाता है हाइड्रोजन का एडिशन किसके साथ होता है सिंगल बाउंड के साथ इसीलिए इसको क्या बोला जाता है सेचूरेटेड बाद बाकी जो भी है डबल बाउंड का यूज करेंगे या ट्रिपल बाउंड का यूज करेंगे इन ग्रुप यूज होगा या वाई एन ई ग्रुप यूज होगा इसमें डबल बाउंड होता है इसमें ट्रिपल बाउंड होता है इस दोनों ग्रुप में क्या हो जाएगा इस दोनों फॉर्म में ये अनसे कहलाता है इफ द कार्बन चेन इज अनसेटेड अगर हम लोगों का कार्बन चेन अनसेचुरेटेड है देन फाइनल एन फाइनल एन इन दी ऑफ कार्बन चेन इज सब्सटीट्यूटेड तब एन तो हट जाएगा क्योंकि एन किसके लिए होता है एन का मतलब होता है सिंगल बाउंड ठीक है तो एन हट जाएगा अब हमारा एन के जगह पे क्या आ जाएगा इन मींस डबल बाउंड आ जाएगा या नहीं तो वाई एन ई आ जाएगा जो कि हम लोगों का ट्रिपल बाउंड होता है अब यहां पे देखते हैं

बाउंड है तो प्रोपॉइंट का लाएगा इट वुड बी कॉल्ड प्रोपॉइंट पी आर ओ पी वाई एन ई ग्रुप ऐड हो गया अब यहां से हम लोग देखते हैं जो टेबल 4.4 में कैसे नोमिन दिया गया है यहां पे तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे हेलोजन ग्रुप तो हेलोजन में हम लोग जानते हैं क्या क्या आता है तो हेलोजन में आ जाता है क्लोरीन या ब्रोमीन तो क्लोरीन का आ जाएगा सी एल का बी तो इसका प्रेफिक्स हो जाएगा क्लोरो और नहीं तो ब्रोमो एक्सेट्रा तो क्लोरो में आ जाएगा तो यहां पे देखेंगे कितना सी लिया गया तीन सी लिया गया है तो तीन किस में लेते हैं तो प्रोप में लेते हैं ठो तो यहां पे पहले है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा जो हम लोगों का यहां पे नेम होगा क्लोरो प्रोपेन यहां पर क्या आ जाएगा क्लोरो प्रोपेन यहां पर हम लोग प्रेफिक्स देखेंगे क्या है क्लोरोप्रोपेन तो प्रोपेन है इसीलिए C3 लिया गया है क्लोरो है Cl लिया गया है ग्रुप का है तो क्या हो जाएगा सी एन एस टू एन प्लस वन प्लस जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो आ जाएगा यहाँ पे इसके बाद देखते हैं ब्रोमो प्रोपेन तो प्रोपेन में है फिर से तो कितना आ जाएगा ब्रोमोप्रोपेन तो बी आर आ जाएगा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन कितना आ जाएगा तीन ठो कार्बन का आ जाएगा और उसके बाद देखेंगे जो हम लोगों का यहाँ पे एल्कोहल में आएगा एल्कोहल में क्या आ जाएंगे एल्कोहल देखेंगे हेलोजन अब हेलोजन में हो गया ब्रो, ब्रोमोप्रोपेन का हो गया बी आर एड हो गया और यहाँ पे प्रोपेन है तो कार्बन तीन ठो रहेगा हाइड्रोजन का देख लेंगे इसके बाद है एल्कोहल सफिक्स ओ एल जैसे ही ऐड होगा तो एल्कोहल का हो जाता है और इसके साथ ओ एच एड होता है एल्कोहल में प्रोपेनॉल प्रोपे प्रोपेनॉल में क्या हो जाएगा तो प्रोप है तो कार्बन तीन ठो रहेगा ओ एच आएगा और हाइड्रोजन का अमाउंट्स कितना रहेगा तो सेवन रहेगा इसके बाद एल में आ जाएगा ए एल प्रोपे नल ए एल जब सफिक्स रहेगा तो डबल बाउंड के साथ ओ का एडिशन होता है डबल बाउंड के साथ ओ का एडिशन होता है जब ए एल सफिक्स में रहेगा तो क्या हो जाएगा प्रोप है तो कार्बन तीन ठो रहेगा फिर से हाइड्रोजन का अमाउंट रहेगा सिक्स और ऑक्सीजन का एट फिर कीटोन ग्रुप में है ओ एन ई ग्रुप में है तो वहाँ पे देखेंगे प्रोपेन वन आ जाएगा तो प्रोपेन में है तो कार्बन फिर से तीन ठों रहेगा फिर इसी तरह के एसिड में रहेगा तो के एसिड में क्या होगा सफिक्स है तो प्रोपेनोइक एसिड तो ओ एच आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा कार्बन तीन तीन आएगा उसके बाद डबल बाउंड एल्किन्स है सफिक्स ई एन ई है तो वहाँ पर प्रोपीन का देखेंगे तो ग्रुप में पहले भी देख चुके हैं क्या होता है डबल बाउंड होता है और इसके बाद है ट्रिपल बाउंड मींस वाई एन ई ग्रुप रहेगा प्रोपाइन तो क्या होगा कार्बन तीन रहेगा और हाइड्रोजन का अमाउंट्स का देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है नाउ कम्स ऑन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाउ कम्स ऑन क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रॉ ऑफ पेंटेन पेंटेन है तो इसका कितना ड्रॉ कर सकते हैं तो इस, इसका तीन ठो ड्रॉ कर सकते हैं कौन कौन सा होगा उसमें तो इसमें हो जाएगा हम लोगों का एन पेंटेन सबसे तो पहले पेंटेन करेंगे पी ई एन टी ए एन ई एन पेंटेन जो होगा एन पेंटेन अब एन पेंटेन है इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा पेंट है तो पेंट में कितना सी पेंट में पांचों सी लेंगे एन ग्रुप का है हर एक सी पे हाइड्रोजन सिंगल बाउंड के साथ एडेड होगा हर एक सी पे सिंगल बाउंड के साथ हाइड्रोजन का एड एडिशन हो जाएगा हर एक सी पे इसको भी दे दिए इसका देखिए तीन ठो देंगे इसमें भी इस तरह से हम लोग किसका बना लिए एन पेंटेन का देर आफ्टर टू मेथाइल ब्यूटेन इसका सेकेंड जो होगा हम लोगों का आइसोमर पेंटेन का जो होगा वो टू मेथाइल ब्यूटेन हो जाएगा तो यहां पे देखेंगे टू मेथाइल एम ई टी एच वाई एल ब्यूटेन बी यू टी एन ई बी यू टी एन ई तुम मेथाइल ब्यूटेन अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा तो इसमें भी देखिए कार्बन दिए इसके पास हाइड्रोजन आएगा फिर से हाइड्रोजन आएगा नीचे में ऊपर में आ जाएगा फिर से एक कार्बन और इसके साथ तीन ठो हाइड्रोजन फिर सेकेंड कार्बन दिए इस पर दो ठो हाइड्रोजन आएगा फिर ये दो ठो हाइड्रोजन आएगा और फिर ये आ जाएगा सी एस थ्री सिर्फ इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है आइसोमर्स में उसके जो फॉर्मूला होते हैं वो सेम ही होंगे तो ये हो गया टू मेथाइल ब्यूटेन का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर इसके बाद देखते हैं तो टू टू डाई मेथाइल प्रोपेन टू 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 कम टू डाइमेथाइल डाईमेथाइल प्रोपेन टू टू डाइमेथाइल प्रोपेन अब इसमें देखेंगे जो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा तो टू टू डाइमेथाइल प्रोपेन का आ जाएगा बीच में एक ठो सी रहेगा उससे पहले आ जाएगा सी एस थ्री सी एस थ्री से ये कंबाइन रहेगा फिर ऊपर से भी ये सी एस थ्री से कंबाइन रह सकता है फिर नीचे से भी ये सी एस थ्री से कंबाइन रहेगा और साइड से भी सी एस थ्री से कंबाइन रहेगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे देख लीजिए कितना है फाइव कार्बन एटम है क्यों है क्योंकि ये पेंटेन है फाइव कार्बन एटम्स होंगे ही हाइड्रोजन एटम देख लीजिए तो ट्वेल्व आ जाएंगे तो कितना हो गया सी एन एस टू एन प्लस टू पे आ गया इसका फॉर्मूला सेम हो गया लेकिन स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया डिफरेंट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दी टू प्रॉपर्टीज और ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड टू सी अस अराउंड क्या ऐसा प्रॉपर्टी होता है कार्बन में जिससे कि हम लोग इसका यूज अमाउंट देखते हैं अपने चारों तरफ कार्बन का यूज़ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं तो पहला क्या हो जाएगा कार्बन के पास सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कि उसको हाई नंबर ऑफ वैलेंसी प्रोवाइड करते हैं तो कार्बन है सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी है क्या हो जाएगा कार्बन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहला ये हो गया इसके पास सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि इसको क्या प्रोवाइड करता है हाई वैलेंसी। सेकेंड में हो जाएगा सेकेंड में सेकेंड पॉइंट इसका हो जाएगा जो हम लोगों का सेकेंड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा जो ये जो है वो कोवेलेंट बाउंड होता है विद कार्बन एटम्स एंड अदर एटम्स सेकेंड में हो जाएगा कोवेलेंट बाउंड बाउंडिंग बॉन्डिंग विथ विथ कार्बन एटम एंड अदर एटम कार्बन एटम एंड अदर एटम दर एटम्स सच एज ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेट्रा उसमें ऑक्सीजन भी हो सकते हैं हाइड्रोजन भी हो सकते हैं एक्सेट्रा हो जाएंगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी दमूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेंट तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे साइक्लो है तो साइक्लो का पहले ही बता चुके हैं जो साइकिल का जो सीरीज होता है वो एक बार जहाँ से स्टार्ट होता है लास्ट भी कंप्लीट भी वहीं पे होके जाके होगा तो साइक्लो है इसका मतलब रिंग का फॉर्मेशन करेगा रिंग के फॉर्म में रहेगा इसके बाद देखेंगे पेंटेन है तो पेंट में कितने कार्बन पेंट में फाइव कार्बन तो फाइव कार्बन का ये होगा ग्रुप एक दो तीन चार ये फाइव कार्बन हो गए अब यहां पे देखेंगे हर एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? हर एक कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन रहे दो दो चार फिर इस कार्बन के पास भी एक दो तीन चार फिर इसके पास भी एक दो तीन चार चार इलेक्ट्रॉन फिर इस कार्बन के पास भी एक दो चार चार इलेक्ट्रॉन हो गया सबके पास अब हाइड्रोजन एटम सब के साथ ऐड होगा इन ग्रुप में है तो कितना पेंटेन में कितना चाहिए हमको हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन एटम का एडिशन करते हैं एक हाइड्रोजन इसके साथ एक पॉइंट फिर दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा फिर तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा और यहाँ भी एक हाइड्रोजन हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे होगा एक हाइड्रोजन फिर यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन साइड में एक हाइड्रोजन फिर इस प्लेस पे आएगा एक हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन यही जो है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका साइक्लोपेंटेन का अब यहाँ पे आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स तो फॉलोइंग कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो so यहां पे देख लेंगे हम लोग कौन कौन सा एलिमेंट का नाम दिए कंपाउंड्स दिए हुए हैं कौन कौन से कंपाउंड्स दिए हुए हैं तो पहला है एथेनोइक एसिड जो हमारा एथेनोइक एसिड होता है उसमें क्या हो जाता है तो so कार्बन रहेगा एथ है तो मेथ के बाद क्या होता है एथ होता है तो कार्बन दो ठो रहेगा तो एथेनोइक एसिड का हो जाएगा दो ठो कार्बन रहेगा पहले पे क्या होगा हरेक पे हाइड्रोजन सिंगल बाउंड के साथ ऐड रहेगा हाइड्रोजन सिंगल बाउंड के साथ ऐड है और सेकेंड पे क्या हो जाएगा एक पे ओ एच का एडिशन रहेगा और दूसरे पे डबल बाउंड के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा ये हो गया स्ट्रक्चर किसका एथिनोइक एसिड का सेकेंड में है ब्रोमो पेंटेन तो पहले हम लोग पेंटेन का समझते हैं पेंटेन का क्या हो जाएगा सी फाइव एच एलेवन अब ब्रोमो लिखा हुआ है प्लस बी आर तो सी फाइव तीन चार पच पांच तो सी दे दिए फाइव सी है यहाँ पे उसके बाद क्या है पेंटेन है तो हर एक पे हाइड्रोजन का अमाउंट्स देंगे हाइड्रोजन फिर यहाँ पे सेकेंड पे हाइड्रोजन हो गया थर्ड हाइड्रोजन हो गया फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11, 11 हाइड्रोजन हमने बोला था ब्रोमो, पेंटे, ब्रोमो पेंटेन में और यहाँ पे जो लास्ट जगह है वहाँ पे क्या हो जाएगा बी आर एड हो जाएगा क्योंकि ये ब्रोमो पेंटेन है इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सानल तो हेक्सेनल में क्या समझते हैं हेक्सेनल का फॉर्मूला क्या होगा सी सिक्स तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सी सिक्स देंगे यहाँ पे C6 देंगे C6 सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नल है तो लास्ट वाला जो C है वो डबल बाउंड O के साथ H के साथ एड रहेगा और बाद बाकी सभी पे क्या दे देंगे हाइड्रोजन का अमाउंट्स दे देंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम फिर यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम हो जाएगा हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन यही हो गया किसका हेक्सानल स्ट्रक्चर। हाउ वुड यू नेम फॉलोइंग कंपाउंड सब फॉलोइंग कंपाउंड्स का नेमिंग करना है तो यहां पे क्या देखते हैं तो सबसे पहले सी का काउंट करेंगे कितना है दो है तो मेथ में वन होता है एथ में दो होता है ठीक है ये सही हो गया फिर देखेंगे कौन से फॉर्मूला पे है तो सी टू एच फाइव है तो सी एन एच टू एन प्लस वन पे आ गया तो एथेन हो गया ये और प्लस में बी आर फंक्शनल ग्रुप के साथ है तो क्या हो गया बी आर ब्रोमो के लिए होता है तो क्या हो जाएगा ब्रोमो एथेन ब्रोमो एथेन एच ए एन ई टी एच ए एन ई ब्रोमो एथेन नेक्स्ट हो जाएगा सी है एस्ट दो के साथ o के साथ है तो क्या हो जाएगा कार्बन सिंगल है तो ये क्या हो जाएगा मेथेनल मेथेनल हो गया दराफ्टर यहां पे देखते हैं सी का अमाउंट सिक्स है तो सी सिक्स किस में होता है एक ट्रिपल बाउंड है वाई एन लग ही जाएगा तो क्या हो जाएगा हेक्सीन, एच ई एक्स वाई एन ई हेक्सीन, ये हो गया हम लोगों का थर्ड का आंसर थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस वाइट का